नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा प्रतिष्ठित रेलवे परियोजनाओं के लिए उच्च शक्ति वाले प्लेटों की आपूर्ति। और ओडिशा बोर्ड की वार्षिक उच्च माध्यमिक परीक्षा में इस्पात विद्या मंदिर के वाणिज्य धारा के छात्र उत्तीर्ण। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP विभिन्न प्रतिष्ठित रेलवे परियोजनाओं में उपयोग के लिए विशेष रूप से विकसित नई प्लेट मिल प्लेटों की आपूर्ति कर रहा है। पिछले वर्ष इस्पात संयंत्र ने IS 2062E 410 कॉपर रेट प्लेटों के 3500 टन का उत्पादन कर इसकी आपूर्ति की थी और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के कैरिज फ्रेम में उपयोग किया गया था। यह सेमी हाई स्पीड इंटरसिटी इलेक्ट्रिकल ट्रेन भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाई गई है। इसके अलावा RSP ने IS 2062E 350/410/450 कॉपर ग्रेड की प्लेटें भी विकसित की हैं, जो कि बेडिंग, वेल्डिंग और फार्मिंग जैसे गुणों से युक्त वैगन के विभिन्न घटकों जैसे फ्रेम, बेस और इंटीग्रल बॉडी पार्ट बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। वर्ष 2019-20 में इस्पात के कुल 8200 टन की आपूर्ति की गई थी, जबकि चालू वर्ष में जुलाई तक 3300 टन इस्पात प्रेषित किया गया है। रेलवे के लिए विकसित एक और उच्च शक्ति वाला इस्पात DINEN 10025 S355 J2W ग्रेड हैं। इस ग्रेड के 2500 टन प्लेटें वर्ष 2019-20 में आपूर्ति की गई, जबकि चालू वर्ष में जुलाई तक इस्पात संयंत्र ने 2000 टन इस्पात प्रेषित किया है। इसके साथ ही EN 10025 5 S355 J2WN ग्रेड के अलावा संक्षारण प्रतिरोधी प्लेटों का भी भारतीय रेलवे के लिए नई प्लेट मिल में विकसित किया गया, जिसमें सभी गुड़ फर्नेस नॉर्मलाइज प्लेट हैं। उच्च मूल्य और टेलर निर्मित उत्पादों को विकसित करके राउरकेला इस्पात संयंत्र माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात विद्या मंदिर के +2 वाणिज्य के छात्रों ने CHSE ओडिशा बोर्ड द्वारा आयोजित वार्षिक उच्च माध्यमिक परीक्षा 2020 में अच्छा प्रदर्शन किया है। वाणिज्य धारा में स्कूल का पास प्रतिशत राज्य का औसत पास प्रतिशत 74.95 के मुकाबले 93.10 रहा है। सभी छात्रों में से 33 ने फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त किया, 10 सेकंड डिवीज़न में रहे और 11 ने थर्ड डिवीज़न हासिल किया है। सुकरा बाड़ा की सुपुत्री सुप्रिया बाड़ा 85.00% अंक हासिल करके स्कूल की टॉपर बनी। जोबर मोहम्मद की पुत्री मासूमा फरहीन 84.20% अंक हासिल करके दूसरे स्थान पर रहीं और इम्तियाज अली की पुत्री आफरीन खातून ने 83.16% अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यही समाप्त होते हैं। नमस्कार।